तो चल फोन पे बात करते हुए चला रहा है। इंडिया ही रहेंगे। हाँ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और आज हम आए हैं चेन्नई महिंद्रा के टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी में, जहां पे हम चेकआउट कर रहे हैं दी ऑल न्यू एसयूवी 700। तो इस वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाएगा, क्योंकि हम आपको इस एसयूवी के बारे में सब कुछ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से। और सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो है ये हेडलैम्प यूनिट। अब ये हेडलैम्प यूनिट बहुत ही यूनिक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रन कर रहा है, तो ये दो स्ट्रिप के DRLs मिलेंगे आपको। इसमें से जो ऊपर का स्ट्रिप है वो डायनामिक इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं और ये पूरा यूनिट जो है वो काफ़ी ब्राइट है एंड विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यही नहीं, आपको नीचे की तरफ फॉग लैम्प जो मिलते हैं वो भी LED हैं और उसके ठीक साइड में आपको वेंट्स मिलते हैं जहाँ से एयर चैनल होती है, जिससे गाड़ी को बेटर एरोडायनामिक्स मिलता है और उसी के साथ इसके ब्रेक्स भी कूल डाउन करता है ये। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल के बारे में। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट ग्रिल जो है वो ब्लैक्ड आउट है और इस कलर के साथ काफी अच्छा जा रहा है ये ब्लैक आउट थीम। आप यहाँ पे देखोगे कि इसको 6 slats मिलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दूर से ये क्रोम लग रहा होगा, बट ये क्रोम नहीं है, दिस फिनिश्ड इन ब्रश्ड एल्यूमिनियम। और जो हाईलाइट है सामने ग्रिल का वो है महिंद्रा का नया लोगो। आप जैसे देख सकते हो ये लोगो क्रोम में फिनिश्ड है और ये नया लोगो है और काफी स्मार्ट लग रहा है और काफी अलग, क्योंकि आप एक महिंद्रा को एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस लोगो में देखने के लिए। सो दिस इज दी ऑल न्यू लोगो फॉर महिंद्रा। एंड आपको यहाँ लोगो के नीचे एक कैमरा भी मिलता है, तो ये कैमरा जो है बिकॉज दिस कार फीचर्स अ 360 डिग्री कैमरा ऑप्शन, तो ये सामने का कैमरा आपको जज करने में हेल्प करता है जब आप पीक ट्रैफिक में होगी। गाड़ी बहुत चौड़ी है, ऊंची है और लंबी है, बॉनेट काफी बड़ा है गाड़ी का, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि बंपर में सिल्वर फिनिश भी है एंड हुड लाइंस और क्रीजेस मिलता है, जिससे गाड़ी काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो हाईलाइट है गाड़ी का वो है ये ग्रिल और महिंद्रा का ऑल न्यू लोगो। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज जो आपके अटेंशन को ग्रैब करेगी वो है ये 18 इंच के मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील्स। आप देख सकते हैं कि अलॉय व्हील का साइज जो है वो बहुत ही अच्छा है और गाड़ी के ओवरऑल साइज के हिसाब से काफी अच्छे से जा रहा है, ये छोटा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसके डोर हैंडल्स पे क्लासिक डोर हैंडल्स है। अब ये डोर हैंडल मतलब एकदम अंदर चला जाता है तो ये एकदम एक हो जाता है, दूर से आपको हैंडल्स दिखेंगे नहीं। बहुत अच्छा फीचर है, गाड़ी काफी कूल लगती है इससे। आप दबाएंगे तो डोर बाहर आ जाता है और वापस से दबाएंगे तो अंदर चला जाता है। एंड उसी के साथ आपको मिलता है बॉडी कलर ORVM में आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिलेगा और यहां पे आपको एक कैमरा मिलेगा जो कैमरा 360 डिग्री का फीचर के लिए वो मौजूद है। एंड ये कैमरा ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग के लिए भी हेल्प करता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हम गाड़ी चला रहे होंगे। तो अब बात करते हैं इसके ये क्रोम एक्शन की। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये क्रोम लग रहा होगा दूर से, लेकिन ये वही सेम मटेरियल है जो आगे ग्रिल पे यूज हुआ है, ये ब्रश्ड एल्युमिनियम है, क्रोम नहीं, उतना ज्यादा शाइन नहीं करता है। दूर से क्रोम दिखता होगा लेकिन पास से आप जैसे आएंगे तो दिस ब्रश्ड, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। अगेन यहाँ पे सब कुछ, ये जो पिलर्स हैं वो ब्लैक्ड आउट है, आपको फंक्शनल रूफ रेल्स मिलते हैं, एक शार्क फिन एंटेना मिलता है, एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है एंड बहुत ही सटल बॉडी लाइन मिलते हैं जो कि आगे हेडलाइट से लेके टेल लाइट तक कंटिन्यू होते हैं। उसी के साथ आपको बॉडी ग्राइडिंग भी मिलती है, आप देख सकते हो, जो कि गाड़ी को साइज से ज्यादा बल्की बनाता है। तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए कि आपको XUV 700 का साइड प्रोफाइल कैसा लगा, स्पेशली इस कलर और इन अलॉय व्हील्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के रियर एंड के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको फैसिनेट करेगी वो है इसका टेल लाइट यूनिट। आप देख सकते हैं कि ये टेल लाइट यूनिट कितने अच्छे से इन्होंने स्कल्प्ट किया है, एक स्प्लिट टेल लाइट यूनिट और पूरा यूनिट जो है LED है, काफी अच्छा है, काफी ब्राइट है और पीछे से गाड़ी को एक काफी ज्यादा स्पोर्टी अपीयरेंस देता है। उसी के साथ आपको मिलता है यहाँ पे एक वाइपर अलॉन्ग विद वॉशर डिफॉगर, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक LED स्टॉप लाइट मिलेगा, अगेन शॉक फिन एंटेना, यहाँ पे एक स्पॉइलर मिलेगा और आप देख सकते हो काफी पियानो ब्लैक फिनिशेस दिए गए हैं जो कि पीछे से गाड़ी में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और गाड़ी के स्पोर्टीनेस को और भी ज्यादा एनहांस कर रहे हैं वो। उसी के साथ आपको यहाँ पे मिलता है सेंटर में नया महिंद्रा का लोगो, आपको XUV 700 का बैजिंग यहाँ पे और उसके नीचे आपको ये AX70 जो कि वेरिएंट है उसका बैज मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा सेंसर्स के साथ एंड ये फीचर करता है अडैप्टिव गाइडलाइंस जो कि आपको एक टाइट स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से पार्क करने में हेल्प करता है। उसी के साथ ऑब्वियसली इसमें 360 डिग्री कैमरा ऑप्शन है और कैमरा क्वालिटी की बात मैं करूँगा, कैमरा का क्वालिटी जो है वो काफ़ी क्लियर है, ऐसा नहीं दिया है कि कैमरा में आपको कुछ ब्लरीनेस है या कुछ है, काफ़ी प्रिसाइज है कैमरा। उसी के साथ बात करते हैं हम लोग इसके बूट की। तो इसके बूट को आप यहां से खोल सकते हो एंड रिमोट से भी ऑप्शन है और अंदर से भी ऑप्शन है, तो हाइड्रोलिक स्टार्टर तो बूट अपने आप ओपन हो जाता है और आप देख सकते हो कि जो थर्ड रो है वो जब आप उठा के रखेंगे तो आपको बूट स्पेस
सिर्फ इतना ही मिलेगा। आप मतलब देख सकते हो मेरे पैर बाहर है, तो यहाँ पे मतलब आप या तो एक सूटकेस रख सकते हैं या तो दो छोटे हैंडबैग्स रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको और बूट स्पेस चाहिए तो आप इस बटन को दबाएंगे ऐसे करके, एक्चुअली उस लीवर है उसको खींचेंगे तो ये सीट ऐसे गिर जाएगी, दोनों सीट एक्चुअली गिर जाएगी यहाँ पे, एंड आपके पास बहुत ज़्यादा बूट स्पेस अवेलेबल है। इनफैक्ट थर्ड रो के लिए आपको एसी वेंट और चार्जिंग सॉकेट्स भी दिए गए हैं। बूट लिड की बात करें तो बूट लिड एक्चुअली उतना हैवी नहीं है, उतना लाइट भी नहीं है, बट हाँ आपको मेहनत नहीं लगेगी बंद करने में। तो ओवरऑल गाइज ये था XUV700W का रेयर एंड। अब आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपको इसका रेयर एंड कैसा लगा। सबसे पहले मैं आपको इसके इंटीरियर्स के बारे में बताना चाहूंगा गाड़ी के। तो सबसे पहले जैसे ही आप कैबिन एंटर करोगे आपको रियलाइज होगा कि गाड़ी कितनी ज्यादा स्पेशियस है, कितना हेडरूम है, लेगरूम है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है। स्पेशली ये जो पैनोरामिक सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ के चलते ये गाड़ी अब मतलब और भी ज्यादा स्पेशियस लगने लगी है, एंड उसी के साथ कई सारे फीचर्स, नए फीचर्स ऐड हुए हैं जो गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब एक लुक दे रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो एक सिंगल स्क्रीन, जब आप गाड़ी बंद करते हैं तो आपको ऐसा बाहर से आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एक सिंगल स्क्रीन है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी चालू करोगे ये जो दो स्प्लिट स्क्रीन है, ये दोनों स्प्लिट स्क्रीन जो है एक बीच में से एक डिवाइडर है, एक लाइन खींची है, तो उसके हिसाब से मतलब ये दो अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये इतना नीटली बनाया गया है कि वो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि स्प्लिट स्क्रीन है, बिकॉज जहां पे ये स्क्रीन स्प्लिट हो रही है वहां पे एक्चुअली आपका स्टेयरिंग का व्यू आता है, तो आपको दिखता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ एक ब्लाइंड स्पॉट है, एक इजीली लगता है कि ये एक और एक पूरा एक स्क्रीन है। तो बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है गाड़ी का वो 10.25 इंच का है, एक्चुअली दोनों 10.25 और 10.25 इंच के हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, बहुत सारे इतने ज्यादा फीचर्स हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको एसी वेंट मिलेगा, उसके ठीक नीचे आपको टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल, काफी सारे टॉगल स्विचेस जो कि बहुत सारी चीजें करती हैं, 360 डिग्री कैमरा का फीचर है, ऑप्शन है, तो वो सब है, एंड उसके साथ ही आपको नीचे एक वायरलेस चार्जर मिलेगा फोन का। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इसका गियर लीवर, सो ये भी हम लोग मैनुअल चला रहे हैं तो यहाँ पे मैनुअल गियर लीवर है। उसके बगल में आपको ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक का बटन मिलता है। उसके ठीक पीछे आपको यहाँ पे कंट्रोलर मिलेगा जो कि थोड़ा छोटा है बट सिमिलर टाइप का एक आई ड्राइव कंट्रोल जैसे होता है BMW में, से एक नॉब है, आप उसको घुमा के चीजें यहाँ पे चेंज या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप आराम से आप मतलब अपनी कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो, आपको बार बार हाथ यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कप होल्डर्स है, काफी सारा कप होल है, यहाँ पे एक कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है, और ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइड होकर ऐसे बाहर भी आता है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है, काफी कंफर्टेबल गाड़ी है। अब हम लोग बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरा का पूरा डिजिटल है, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में आपको बता सकता हूँ, दो कैमरास लगे हैं ORVM में, अब जैसे ही राइट का इंडिकेटर देते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन बीच में आ जाता है, दोनों क्लस्टर जो डिजिटल क्लस्टर उसके बीच में एक स्क्रीन आ जाता है, एंड उस स्क्रीन में आपको राइट या फिर लेफ्ट जिस साइड का भी इंडिकेटर देते हो उस साइड का आपको मतलब दिखने लगेगा कि हाँ भाई इसमें यहाँ पे यहाँ से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, जस्ट इन केस अगर आप मिस करें हो उस चीज को। यहाँ पे आपको बात करेंगे स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील है वो एक फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स काफी अच्छे से प्लेस्ड हैं, एंड ड्राइवर को एकदम फोकस रखते हैं रोड पे, आपको लिटरली मतलब हाथ इधर या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए गाड़ी के बारे में वो आपको यहाँ से इजिली अवेलेबल आपको ऑन द टिप ऑफ अ फिंगर पे आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं गाड़ी के और कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे तो इंटीरियर जो है वो काफी अच्छा इंटीरियर है, इनफैक्ट आपको एक्चुअली टोन टोन नहीं, आपको तीन कलर में आपको डैशबोर्ड मिलेगा, सिल्वर है, बेज है, ब्लैक है, तो एक्चुअली बोलते हैं टोन ही है लेकिन सिल्वर एक्सेंट्स भी दिए गए, तो वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिच फील देता है। और सोनी का म्यूजिक सिस्टम है 3D में एंड 450 वॉट का है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड करता है, सबवूफर वगैरह भी लगे हुए हैं गाड़ी में। तो दोस्तों अब बात करेंगे गाड़ी के सीट के बारे में। तो जो आगे की सीट है वो काफी अच्छी है, इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो वुडन ट्रिम है इसमें, ये वुडन ट्रिम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके सीट कंट्रोल जो है ये पैसेंजर सीट के, एक्चुअली सिर्फ इसका ड्राइवर सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, पैसेंजर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो जो सीट कंट्रोल है ये बिल्कुल जैसे मर्सिडीज बेंज में आपको मिलते हैं वैसे ही, इनफैक्ट तीन सीट मेमोरी भी है जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एंड ये काफी अच्छा लग रहा है, काफी कूल सा लग रहा है, ये फीचर नॉर्मली गाड़ियों में देखते नहीं आप लोग, हाई एंड गाड़ी में ही
देखा जाता है। तो सीट कंफर्ट जो आगे की सीट वो बहुत अच्छी है, अच्छा अंदर था, सपोर्ट है, साइड बोल्स्टरिंग अच्छा है, ड्राइवर को पकड़ के रखता है जगह पे। पीछे की सीट की बात करें जो मिडिल रो है, अब मिडिल रो में अंडर था सपोर्ट थोड़ा सा कम है बट कुशनिंग बहुत अच्छी है, तो लॉन्ग ड्राइव में उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप चार लोग जा रहे हैं तो आप आराम से इसका आर्मरेस्ट डिप्लॉय कर सकते हो बीच का और आराम से चार लोग आप बैठ के जा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड सीट है, अगर ये सेवन सीटर है तो थर्ड सीट जो है वो आप बच्चों के लिए छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर आप एक आदमी जा रहे हो तो एक आदमी सा बहुत देर तक पैर उठा के बैठना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं एक आदमी कितना देर तक पैर उठा के एक साइड करके बैठ सकता है। इसमें और कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, इनफैक्ट ADAS सिस्टम भी है जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देता है अगर आप जस्ट इन केस अगर आप मुड़े और किसी से बात करने के लिए, आप कुछ बाई चांस लोग होता है फोन पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट आया तो चार्जर देख रहा सामने वाले ने ब्रेक अगर मार दिया तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, ब्रेक कर देगी। यानी हम लोगों ने टेस्ट किया है ना, बहुत ही स्कैरी फीचर है क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो एकदम से लगता है, मतलब फिर आप ऐसे चला रहे और एकदम से मतलब एक झटके से लगेगा एंड पूरा पेडल अंदर चला जाता है, तो वो एक काफ़ी स्कैरी सा एक्सपीरियंस था बट हर बार काम करता है बहुत अच्छे से और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग इसके इंजन की, तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल, दोनों में आपको दो दो गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं मैनुअल या ऑटोमेटिक का। तो जो पेट्रोल हम लोग आज डीजल चला रहे लेकिन पेट्रोल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो पेट्रोल इंजन इज अ 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और वो इंजन प्रोड्यूस करता है 200 PS ऑफ पावर एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क और वो मेटेड है या तो एक 6-speed गियरबॉक्स के साथ या तो फिर एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। एंड पेट्रोल में ड्राइविंग मोड्स नहीं है बल्कि डीजल में ड्राइविंग मोड्स है, पेट्रोल में ड्राइविंग मोड्स नहीं दिए गए हैं। और अगर आप बात करोगे इसकी डीजल की तो डीजल में आपको 2.2 लीटर का इंजन है, ये इंजन प्रोड्यूस करता है 185 PS ऑफ पावर एंड टॉर्क जो है वो वेरी करता है। अब मैनुअल में आपको 420 Nm मिलेगा और ऑटोमेटिक में आपको 450 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा, तो टॉर्क फिगर जो है वो थोड़े बहुत वेरी करते हैं लेकिन पावर फिगर जो है 185 बहुत अच्छा है डीजल पावर। इनफैक्ट डीजल में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे और उन्होंने ड्राइविंग मोड्स का नाम जो है वो रखा है जिप जैप जूम, तो बेसिकली जिप आपका है इको, जैप आपका है कम्फर्ट, जब गाड़ी चालू करेंगे तो गाड़ी जैप में होगी एंड जूम जो है वो है आपका स्पोर्ट मोड, उसके हिसाब से आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे से काम करता है एक्चुअली। आप अगर जिप पे चलाएंगे तो बहुत ही लिनियर एक्सेलरेशन को ऐसा जैप पे भी जाए, हम लोगों ने जूम पे लगाया, जूम पे लगाते ही आप फ्लोर करिए देख रहे हो आप तुरंत गाड़ी स्क्रीच स्क्रीच करने लगती है। तो आज हम लोग डीजल वाला चला रहे हैं और मैनुअल वर्जन चला रहे हैं, तो अभी बात करेंगे थोड़ा सा पावर डिलीवरी की। तो पावर डिलीवरी काफ़ी लिनियर है, ऐसा स्मूथ से चालू होता है लेकिन बहुत ही तगड़ा मिड रेंज और टॉप एंड दोनों गाड़ी का बहुत ही तगड़ा है। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने पेट्रोल वाला अभी तक चलाया नहीं है, जल्दी ही चलाएंगे एंड आपको सब कुछ अच्छे से बताएंगे। अब बात करें सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन सेटअप जो है महिंद्रा ने इतना अच्छे से किया हुआ है, कितनी बड़ी गाड़ी है, हल्का सा बॉडी रो ऑब्वियसली है बट गाड़ी आप कितनी भी तेज मतलब ऑब्वियसली कितनी भी तेज नहीं, आप अगर 100 की स्पीड पे भी एक अगर फ्लोइंग कॉर्नर आप करेंगे तो गाड़ी एकदम चिपक के रोड से चलेगी। सारे इलेक्ट्रॉनिक एड्स काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है, बहुत ही फीचर लोडेड गाड़ी है। इनफैक्ट ये जो गियर शिफ्ट है, डीजल का क्लच इतना ज़्यादा स्मूथ है कि आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको बार बार अगर आपको मैनुअल चला रहे हो बार बार क्लच इन क्लच आउट करना पड़ रहा है तो आपका पैर उससे जो है दर्द बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी दी ऑल न्यू XUV700 एंड इस SUV का प्राइस स्टार्ट होता है 11,99,000 रुपए एक्स शोरूम से। एंड आई होप मैंने ये गाड़ी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी हो, आपको अगर इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रमित साइन आउट करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ। Fuck.